नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका केबीपी न्यूज में। आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। कुशीनगर में कंबल और राहत सामग्री का किया गया वितरण। कुशीनगर जिले के कसिया क्षेत्र में स्थित सबेया में सीड ऑफ होप फाउंडेशन ए चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से गरीब और असहाय लोगों को कंबल के साथ साथ राहत सामग्री का वितरण किया गया। स्वर्गीय वंशी कांदू के पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों में 5 किलो गेहूं, आटा, तेल, बिस्किट आदि का थैला बनाकर माँ कुंती देवी के हाथों लोगों में बांटा गया। इस मौके पर ट्रस्ट के ट्रस्टी अरुण प्रकाश ने बताया कि पिछले 10 सालों से गरीब असहाय लोगों के लिए संस्था काम करती आ रही है। सीड ऑफ होप फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गोरखपुर में कार्यरत है, उसके द्वारा लगातार राशन और कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा। यहाँ कुशीनगर सबेया जो तहसील कसिया है, यहाँ पर आज 100 लोगों को लाभ दिया गया। 100 कंबल और 100 राशन के पैकेट जिसमें हर तरीके के राशन का सामान वो लोगों को दिया गया। अच्छा, ये संस्था कब से कार्य कर रही है? ये संस्था सन 2011 30 मई 2011 से लगातार काम कर रही है। संस्था के माध्यम से और क्या क्या कार्य करते हैं जमीनी स्तर पे आप लोग? सीड ऑफ होप फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि बशारतपुर गोरखपुर में है, इसे मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं, जो कि फ्री क्लिनिक, जीवन वृक्ष फ्री क्लिनिक का काम किया जाता है, जिसमें दवाइयाँ फ्री दी जाती है गोरखपुर में, और इसके साथ साथ कई सारे डॉक्टर से इलाज फ्री किया जाता है, और अंधता निवारण के ऊपर बड़ा काम है। अंधता निवारण के लिए हम लोग गांव-गांव में कैंप लगाते हैं और लोगों को लाकर उनका ऑपरेशन मोतियाबिंद का ग्रुप में और इंडिविजुअल बड़े लेवल पे करते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों को, जो गरीब बच्चे, उनको पढ़ाते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं और उनको न्यूट्रिशन भी देते हैं, ये काम किया जाता है। साथ ही साथ राशन कंबल वितरण किया जाता है और कपड़े भी बांटे जाते हैं। कसिया सबेया में कितने लोग राहत सामग्री बांटी गई अभी तक? आज सबेया में करीब 100 लोगों को राशन और कंबल बांटा गया।